नमस्कार दोस्तों, वेज क्रिएटिव फिटर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ड्राइंग के इस क्लास में हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मल्टी व्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने बहुत सारे क्लास लिए थे, इसमें आपको फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड व्यू कैसे निकालना इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद आपको सेशनल व्यू, हाफ सेशनल, फुल सेशनल और ऑफसेट सेशनल के भी व्यू हमने आपको बताए थे। वो सभी की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो के इसमें आप लिस्ट में देख सकते हो। उसमें आपको ड्राइंग के अलग अलग वीडियो, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको ड्राइंग समझने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, आज के इस ड्राइंग के लेसन में हम लोग इस तरह से एक ऑब्जेक्ट देखेंगे और इसके मल्टी व्यू कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस ड्राइंग की हम पोजिशन जानेंगे। थर्ड एंगल में कैसी पोजीशन होती है, फर्स्ट एंगल में कैसी पोजीशन होती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन जानते हैं कैसी होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में दिया गया है और राइट हैंड साइड व्यू है, इस साइड से आपको साइड व्यू निकालना है, तो उसकी पोजीशन इस तरह होगी। जो साइड व्यू होता है हमेशा एक्सिस लाइन के ऊपर आता है और टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे आता है। फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऊपर चला जाता है, और साइड व्यू जो होता है राइट हैंड साइड को है, तो अगर वो फर्स्ट एंगल में वो लेफ्ट हैंड साइड को चला जाता है। ये मेन बदलाव होता है। तो ये फर्स्ट एंगल में अगर आपका व्यू राइट हैंड साइड व्यू है तो इस तरह से इसकी पोजीशन रहेगी। टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे आएगा, ठीक इसके ऊपर फ्रंट व्यू रहेगा, और आपका राइट हैंड साइड व्यू है तो ये लेफ्ट साइड को चला जाएगा। ये इस तरह से पोजीशन होती है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इधर से आपका साइड व्यू है, तो उसकी पोजीशन जो साइड व्यू है वो राइट साइड को चला जाता है, और टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे रहता है। इस तरह ये पोजीशन बनी रहती है, टॉप व्यू नीचे, ठीक है उसी के ऊपर फ्रंट व्यू, और साइड व्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट साइड को चला जाएगा। इस तरह से फर्स्ट एंगल में ये पोजीशन चेंज हो जाती है। उसके बाद आते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो थर्ड एंगल में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड को ही रहेगा, और टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर आपका फ्रंट व्यू रहेगा। अगर आपका थर्ड एंगल पोजीशन में राइट हैंड साइड व्यू है तो आपकी पोजीशन इस तरह से रहेगी, टॉप व्यू एक्सिस लाइन के ऊपर, उसके ठीक नीचे फ्रंट व्यू और साइड व्यू, इस तरह से ये पोजीशन बनी रहती है। दोस्तों, आज का हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह का है, तो इसका जो थर्ड एंगल में हमें निकालने हैं और राइट हैंड साइड व्यू दिया है इसको, तो आपको इस तरह से ये पोजीशन बनी रहेगी। आपका टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक उसी के ऊपर आपका फ्रंट व्यू और साइड व्यू, लेफ्ट राइट साइड है तो राइट साइड पे रहेगा। तो इस तरह से ये पोजीशन बनी रहेगी। दोस्तों, अब हम सेंटर अरेंजमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। हमेशा मैं सेंटर अरेंजमेंट को ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग साफ़ सुथरी हो और बिल्कुल सेंटर में हो तो आपको मार्क भी अच्छे मिलेंगे और साफ़ सुथरी दिखेगी, इससे आपको भी आगे की ड्राइंग निकालने में बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट के तीनों ओर, एक दो और तीन ओर 10 mm छोड़ के ऐसे बॉर्डर खींचना है, और जहाँ पिन मार्क होता है, पिन होल, वहाँ 20 mm छोड़ना है, और इस तरह से आपको ये बॉर्डर खींचना है। अब इसके अंदर का हमारा जो है वो ड्राइंग निकालने का एरिया हो गया। उसके बाद आपको कुल लंबाई मेजर करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन खींची है, लंबाई में 340 mm आती है और हाइट में 225 mm आती है। हमारी ड्राइंग जो है इस एक अंदर होगी, इसलिए ये लेंथ लेना बहुत ज़रूरी है। आपने भी लिया होगा अभी लेंथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो पोजिशन होती है, इस तरह से ये पोजीशन रहेगी। आपका टॉप व्यू इधर है,
फ्रंट व्यू इधर है, साइड व्यू इधर है, तो साइड व्यू को हमेशा 5 mm ज़्यादा लेना चाहिए, और बाकी जो तीनों साइड होते हैं उसके और एक्सिस लाइन के बीच में आपको 20 से 25 mm लेना है। आप 20 mm लेते हो तो सभी ड्राइंग में 20 mm लेना चाहिए। अगर साइड व्यू भी आप अगर 20 mm लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी उतना ही ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी दिखेगी, इसीलिए ये 20 mm लेना है, तो पूरे ड्राइंग में 20 mm लेना। 10 mm लिया तो थोड़ी सी ड्राइंग जो होती है कॉम्पैक्ट दिखती है, देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप 20 mm लिया तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं इसके मेजरमेंट की। तो सबसे पहले इसके मेजरमेंट जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर अरेंजमेंट के लिए जब तक आप मेजरमेंट पूरे जान नहीं लेते, उनकी पूरी जानकारी नहीं लेते, तब तक आप निकाल नहीं सकते। अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो पूरी ड्राइंग में मिस्टेक होती है, इसलिए सबसे पहले कोई भी अगर ड्राइंग होती है तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों मेजरमेंट आपको लेना बहुत ज़रूरी है सही से प्रॉपर से। तो सबसे पहले हम इसके लेंथ के बारे में जानते हैं। आपको यहाँ दिया गया है 70 mm, सेंटर टू सेंटर, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक, तो ये आपका 70 mm हो गया। और ये जो डायमीटर दिया है 70 mm का, मतलब यहाँ से यहाँ तक 35, तो आपको ये 70 में 35 मिलाना है, 115 हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस दिया गया है ये 14 mm की है, तो ये 14 मिलाना है आपको, 14 mm, 35 + 70 + 14 mm, तो उसकी कुल लंबाई जो होती है वो 119 mm होती है, उस ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई होगी। उसके बाद आते हैं साइड व्यू की लेंथ। साइड व्यू में आपको इस सेंटर से लेकर इस होल के सेंटर तक आपको दिया गया है 60 mm, और बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 mm की रेडियस दिया गया है, और सेम रेडियस इधर भी है, तो ये 28 + 60, इस तरह से आपका जो साइड व्यू की लंबाई होगी ये 88 mm होगी। एक बार फिर देख लीजिएगा, सेंटर टू सेंटर जो दिया गया है वो 60 + 14 + 14, इस तरह से ये लंबाई मतलब साइड व्यू की लंबाई हो गई। अब इसके हाइट के ऊपर जानते हैं। हाइट आपको यहाँ से लेकर ये जो थिकनेस है, ये रिब की थिकनेस दिया है 8 mm, और यहाँ से लेकर ये बॉटम से लेकर इस यहाँ तक दिया गया है 42 mm, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 mm हो गया, प्लस 15 + 15, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 mm की है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 mm की है, 50 + 30 mm, मतलब इस ऑब्जेक्ट की पूरी लंबाई जो हो गई है 80 mm। इस तरह से आपको ये समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर जान लेते हैं, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक दिया गया है 70 mm, और रेडियस है यहाँ से 35 mm, और यहाँ की रेडियस है 14 mm, 35 + 70 + 14, ये होता है 119 mm लंबाई की। और उसके बाद आता है साइड व्यू की लंबाई। आपको दो होल दिया गया है, एक इधर और एक इधर, इसकी कुल लंबाई मतलब सेंटर का डिस्टेंस है 60 mm, और यहाँ से जो रेडियस खींची है उसकी रेडियस की मेजरमेंट है 14 mm, और इधर का 14 mm, तो ये 28 + 60, 88 mm साइड व्यू की लंबाई हो गई। उसके बाद आते हैं फ्रंट व्यू की हाइट। फ्रंट व्यू की हाइट आपको 8 mm दिया है, बाद में 42, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है आपका ये 50 mm, और उसके बाद ये जो रिप्स है यहाँ से लेकर 15 mm, और यहाँ 15 mm इधर मेजरमेंट दिया गया है आपका, तो ये 30 mm + 50 mm इज इक्वल टू 80 mm, इस तरह से आपके ये मेजरमेंट आ गए हैं। अब लेंथ डाट के लिए क्या करना होगा, आपको टोटल लेंथ लेना है 340 mm, प्लस फ्रंट व्यू लेंथ प्लस एक्सिस का अंतर, दोनों एक्सिस का अंतर 20 + 20, फिर साइड व्यू लेंथ, इसको बाद में 2 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो रहेगा। उसके बाद साइड हाइट के डॉट मेजर मतलब लगाने के लिए आपको टोटल हाइट 225 प्लस टॉप व्यू की हाइट, उसके बाद 20 + 20, फिर फ्रंट व्यू की हाइट, और बाद में इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। टॉप व्यू की जो हाइट होती है
साइड व्यू की जो लंबाई होती ये होती है लंबाई, वो टॉप व्यू की हाइट होती है, और फ्रंट व्यू की जो लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई होती है। ये आपको बात ध्यान में रखना चाहिए, ये बात हमने आपसे इसके पहले भी बता चुके हैं। अब इस तरह से आपके डाटा रहेंगे, डॉट 340 माइनस 119 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 88, मतलब ये जो पहला जो डाटा आएगा यहाँ से हमारा 46.5 का आएगा, उसके बाद 119, फिर 20, फिर 20, फिर 88 mm, और उसके बाद 46.5। हाइट के डाट के लिए आपको 225 लेना है, ये जो हाइट है ये 88 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 8.5, मतलब पहला जो डाट रहेगा वो 8.5 रहेगा। ये अब क्या होगा इस टाइम में, इसके हाइट ज़्यादा होने के कारण बिल्कुल ये नज़दीक आ गया, तो आप इसमें थोड़ा सा कम कर सकते हो, 15 mm कर सकते हो, मतलब ये 5 mm बढ़ जाएगा, या फिर 10 mm भी कर सकते हो, लेकिन ये चारों डायमेंशन आपको 10 करना पड़ेगा, 20-20 की जगह 10-10 करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे ये डॉट होंगे, इस तरह से हमारे ये डॉट लगेंगे। 46.5 का पहला डॉट लगेगा, फिर 119 mm, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर 88, फिर 46.5 mm। ये हमारे लेंथ के डॉट, इसको इस लाइन से पैरेलल आपको ऐसी लाइन खींचना है वर्टिकल पूरे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको 8.5 mm पहला डॉट लेना है, उसके बाद 88 mm, फिर 20 20, जो एक्सिस का अंतर रहता है, फिर 80 mm, फिर 8.5 mm। इस तरह से आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन खींचा है आपने वर्टिकल, उसको बिल्कुल 90 डिग्री में आपको ये करना है। इस तरह से आपके डॉट मिल जाएंगे और इस तरह से आपकी ये ब्लॉक तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ये पूरा ड्राइंग निकालने का बॉक्स तैयार हो गया है। दोस्तों अब हम इसके व्यू निकलने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू के बारे में बात करेंगे, हमें टॉप व्यू में क्या दिखता है। आप देख सकते हो इधर सबसे पहले ये हमें एक सर्कल दिखेगा इस तरह से, फिर बाद में ये दिखेगा इस तरह से, फिर ये इस तरह से, और ये मतलब ये ब्लॉक दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। इस तरह से आपको निकलना है। तो सबसे पहले हम ये सर्कल से शुरुआत करते हैं। तो आपको ये दिया गया है, तो ये आपको लेना है, बिल्कुल सेंटर में निकलना है। तो इस तरह से आपका ये सर्कल रहेगा, हाफ सर्कल, क्योंकि एक रेडियस दिया गया है आपको यहाँ 52 mm की। इस तरह से आपको ये 52 mm की एक रेडियस लगाना है। तो इस तरह से ये आ जाएगा और ये बड़ा हो गया हमारा। ठीक उसी के नीचे आपको एक और दिया गया है और उसका डायमीटर है 50 mm। इसके नीचे जो यह दिया गया है छोटा सा बिल्कुल सिलेंडर, उसका डायमीटर है 50 mm और इसका 70 mm बाहरी का। इस तरह से आपको ये डॉट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ऊपर से देखते हैं तो ये लाइन हमें दिख रही है कि नहीं इस तरह से, इसीलिए ये डॉटेड में हमें इस तरह से शो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये वाला जो पोर्शन है, इस तरह से हमें ये निकलना है बिल्कुल, यहाँ से सेंटर बिल्कुल करना है आपको। 15 mm की रेडियस खींचना है इधर, 40 mm की, यहाँ से 40 mm की, और उसके बाद यहाँ तक मिलाना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से आया आपका बिल्कुल आ जाएगा। आप देख सकते हो इसमें इस तरह से हमने ये खींच लिया है, या जहाँ तक मिलता है वहाँ तक आपको मिलाना है। और उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है इधर और इधर, क्योंकि ये ऊपर से देखने के बाद ठीक इस फ्लैंज के नीचे आ जाते हैं, इसीलिए आपको वो डॉटेड से शो करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये वाला निकल लेते इधर का, ठीक इसी तरह से है, इस तरह से वो आपको एक निकलना है। ठीक उसका भी फ्लैंज के नीचे जो हिस्सा आता है, पोर्शन आता है, उसको आपको डॉटेड से शो करना ही पड़ेगा। इस तरह से आपको शो करना है। फिर सेम पोर्शन इधर भी है, तो इधर भी हम निकाल लेते हैं, इसको हिडन लाइन से दिखाया गया है। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम, सबसे पहले ये होल निकाल लेते हैं, इसमें होल दिया गया है 50 mm का, यहाँ इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद यहाँ भी एक दिया गया है इधर, इसको भी हम यहाँ निकाल लेंगे, पूरी 50 mm का है। इस तरह से ये दूसरा होल आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया इधर है और इधर एक है, इस तरह से आपका ये होल आ जाएगा, यहाँ ऊपर और फिर यहाँ नीचे। तो इस तरह से हमारे ये होल आ जाएगा और ये हमारा टॉप व्यू हो गया, अभी पूरा का पूरा निकाल के हो गया। टॉप व्यू में अब कोई भी कमी नहीं है।
ये डॉट हिडन लाइन इसलिए दिया गया क्योंकि ये नीचे का डायमीटर है 50 mm का है, ऊपर का डायमीटर है 70 mm, इसलिए इस तरह से वो आ जाएगा। अब हम इसके पूरे एक्सटेंशन लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पूरे खींच लेते हैं, ये जहाँ जहाँ पॉइंट है आपके, जहाँ जहाँ मिले हैं इस तरह से, इससे पूरे ये हिडन लाइन इस तरह से आ जाएंगे। बहुत सारे हिडन लाइन आ रही है, इस तरह से आपके भी आ जाएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और साथ साथ ये भी ड्राइंग निकालना है। इस तरह से ये आपका टॉप व्यू पूरा हो गया। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट व्यू की ओर। फ्रंट व्यू में हम इस साइड से शुरुआत करेंगे, ऊपर से बिल्कुल। ऊपर से हमारा जो ये है, ये वाला फ्लैंज, हम सब फ्लैंज की तरफ से निकालते हैं, तो आपको ये फ्लैंज दिखेगी, फिर ये नीचे का हिस्सा दिखेगा, फिर ये दिखेगा, और फिर ये ब्लॉक दिखेगा। इस तरह से ये ब्लॉक दिखेगा। ड्राइंग थोड़ी क्रिटिकल है, थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बार दो बार या तीन बार, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग कैसे निकालनी है। अब हम सॉफ्टवेयर से निकालते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। इस तरह से हम ये फ्लैंज करेंगे। सबसे पहले इधर से निकलेंगे फ्लैंज, ये इस तरह से आएगी, ये बिल्कुल जहाँ तक आती है मिलती है वहाँ तक ही निकालना है उसको, पूरा सर्कल में नहीं निकालना है, जहाँ तक मिलती है वहाँ तक ही इस तरह, क्योंकि ये रेडियस दिया गया है आपको इधर से 52 mm की यहाँ से। तो इस तरह से हमारी ये फ्लैंज रहेगी, और ठीक उसी के नीचे आपको ये निकालना है 50 mm का जो है नीचे सर्कल, उसके निकालने इधर बिल्कुल इस तरह से वो आ जाएंगे डायमेंशन के हिसाब से। ये 8 mm और ये आपका जो है ये 42 mm, और ये बाद में 42 + 15 mm इतना आएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर आपका रहेगा ये वाला ब्लॉक, हम निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से ये ब्लॉक आ जाता है। फिर दोस्तों ये नीचे का ब्लॉक है जो आपको इस तरह से दिखेगा। इसके पहले के स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ तक दिखाया था, लेकिन साइड से अगर देखते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा, ये दिखने वाला नहीं है, इसलिए हमने इसको मिटा दिया है। आपको ये इस तरह से निकालना है। अब आते हैं इसके हिडन लाइन के ऊपर। दोस्तों यहाँ एक हिडन लाइन रहेगी छोटी सी, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये अंदर गया हुआ है, तो इसका जो छोटा सा हिस्सा है वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हिडन लाइन में शो करना पड़ेगा। इस तरह से आपको एक हिडन लाइन आ जाएगी, क्योंकि वो इधर से देखने के बाद वो दिखेगी नहीं। उसके बाद आते हैं जो ये होल है, ये होल पूरी लेंथ में हाइट में गया है, इसलिए आपको इस होल के पूरे आपको हिडन लाइन निकालना पड़ेगा। ये जो होल है 15 mm डायमीटर का, अगर आप फ्रंट व्यू से देखते हो तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको इसको हिडन से दिखाना पड़ेगा, इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो ये दूसरा जो होल है ये वाला, इसको भी आपको शो करना है। ये पूरे जो 30 mm की गहराई है वहाँ तक गया है, इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये जो सेंटर लाइन है और जो प्रोजेक्शन लाइन है इसके, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, और इस हिसाब से वो आपके हिडन लाइन आ जाएंगे होल के, इस होल के। ये भी आपका 15 mm डायमीटर का है। उसके बाद ये और ये दोनों होल का डायमीटर है 15 mm, और ये खाली 15 mm थिकनेस में है, मतलब इसी थिकनेस के ऊपर है और यहाँ है, तो इसकी जो ये प्रोजेक्शन लाइन आई है और सेंटर लाइन, इसके हिसाब से आपको ये शो करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपको देखने वाला है। दोस्तों हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तो हो गया है, अब हम साइड व्यू की तरफ बढ़ते हैं। साइड व्यू में निकलने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे हमने वर्टिकल निकाले थे कंट्रक्ट प्रोजेक्शन लाइन, उसी तरह आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है। इस तरह से जहाँ जहाँ मिलते हैं उसके हॉरिजॉन्टल आपको ये प्रोजेक्शन लाइन खींचने हैं, और उसी हिसाब से आपको ड्राइंग निकालना है। तो सबसे पहले हम साइड व्यू का जानते हैं, इधर से देखते हैं। इधर से देखने के बाद आपको क्या होगा, ये जो हाइट की है 15 mm हाइट की, आपको ये एक ब्लॉक दिखेगा इधर छोटा, उसके बाद में ये भी दिखेगा और ये ब्लॉक दिखेगा इस तरह से, लेकिन ये ब्लॉक थोड़ा सा वाइट दिखेगा ऊपर के में। इस तरह से आपका ये रहेगा, ये छोटा यह वाला है हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो है ये आगे का तो ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन पीछे जो 50 mm का डायमीटर है ये प्रोजेक्शन लाइन आएगा यहाँ से, इस तरह से आपको एक शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायमीटर 15 mm है।
50 mm है, और ठीक इसी के ऊपर आपको ये सिलेंडर इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से देखिएगा, इस तरह से आपको ये शो करना पड़ेगा, इस तरह से ये आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं उसके ये जो है रेडियस जो खींचा है, तो ये आपको यहाँ से आपको थिक लाइन शो करना पड़ेगा इस तरह से। इसके जो है यहाँ सेट लेकर आपको जो पोजिशन लाइन आती है वह इस तरह से आपको ये ठीक दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा, और इस तरह से ये बाद में ये जो डायमीटर है बिग डायमीटर का, ये बिग डायमीटर दिखेगा। ये पहला तो रेडियस वाला था जो यहाँ से था, उसके बाद ये डायमीटर इस तरह से आपका ये शो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ से हिडन लाइन के ऊपर, इस तरह से आपको ये हिडन लाइन दिखेगी। आपको आगे तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन पीछे भी ये फ्लैंज है पूरी गई है, इसलिए आपको ये इस तरह से वो शो करना पड़ेगा, इस तरह से आपको ये हिडन लाइन में दिखेगी। उसके बाद आते हैं डॉटेड लाइन के ऊपर, ये जो होल है ये पूरे गहराई में गए, इसलिए इसके सॉरी दोस्तों इसके पहले ये निकल लेते हैं, ये जो 50 mm का डायमीटर था उसका पीछे का हिस्सा जो है नीचे से आपको दिखे, इधर से दिखेगा नहीं नीचे का हिस्सा, इसीलिए आपको इस तरह से वो हिडन में शो करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ। उसके बाद आते हैं हिडन लाइन के ऊपर, ये जो होल है ये पूरे गहराई में गया है, इसीलिए आपको इसको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा, क्योंकि साइड व्यू से देखते हैं तो ये होल आपको दिखने वाला नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन है। उसके बाद आते इस होल के, आते ये जो होल है इसका भी डायमीटर लगभग सेम है, ये भी आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसका डायमीटर और इसका डायमीटर एक ही है, इसीलिए वो आपको नहीं दिखेगा, मतलब वही लाइन रहेगी आपकी, ये जो लाइन है बड़ी लाइन होल की वही लाइन रहेगी। उसके बाद आते हैं दोनों तरफ के होल जो है, इस तरह से आपको ये होल शो करना पड़ेगा, इसकी प्रोजेक्शन लाइन से आपको खींचना है इधर, इस तरह से ये शो हो जाएगा, और ये दूसरी तरफ का, इस तरह से आपका ये व्यू हो गया। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी, इसी नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और इसका स्नैप फोटो निकाल के आप व्यू जरूर निकालिएगा। थैंक यू।